अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख्वाब में गुसल करने की ताबीरें क्या है और गुसल करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अगर आप दरिया में गुसल कर रहे हैं तो उसकी क्या ताबीर होगी, अगर आप थोड़े पानी में गुसल कर रहे हैं तो उसकी क्या ताबीर होगी, अगर आप गंदे पानी में गुसल कर रहे हैं तो उसकी क्या ताबीर होगी। इसके अलावा ख्वाब में मुख्तलिफ सूरतों में गुसल करने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मौजूद नाजरीन, हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने दरिया में गुसल किया है तो दलील है कि इसका गम और अंदोह कम होगा, और अगर बीमार है तो सेहत और शफा पाएगा, और अगर कर्जदार है तो कर्ज से सुरखरू होगा और खौफ से अमन में रहेगा, और अगर कैदी है तो खलासी पाएगा, और अगर देखे कि थोड़े पानी में गुसल किया है और हाथ मुंह धोया है तो दलील है कि खैर व मनफियत पाएगा, और अगर देखे कि हाथ को पानी और सजी से धोया है अगर वो दोस्त रखता है तो उसकी उनसे जुदा होने पर दलील है, और अगर देखे कि उसने गुस्ल जनाबत किया है तो दलील है कि उसका काम ख़त्म हो गया है। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में जनाबत से गुसल करना दलील है कि झूठ से पाक होगा, और जो ज्याती और नुकसान जनाबत के गुसल से ज़ाहिर होगा झूठे दीन पर दलील है।